तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। तो यार रात को 3 बज रहे हैं, तुम देख सकते हो। ठीक है, हम भी यार वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज उनमें से काफ़ी सारे बच्चे के बेटे कमेंट्स बहुत सारा आया था। उसमें से यार एक मोस्ट रिपीटेड कमेंट्स ये था एंड जो तुम लोग इंस्टाग्राम में हमको DM करते हो, ठीक है, कि यार भैया प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे अगर राउंड टू में एक कॉलेज ऑलरेडी मिल जाता है तो मैं क्या मॉपअप राउंड के लिए जा सकता हूँ। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ अमरेंद्र ये भी हमको पूछे है कि तो क्या मेरे को राउंड टू में जो सीट है वो क्या चला जाएगा। ठीक है, मैं चीज़ को यार तुमको एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार और एक बार सुन लो, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं, मैं सबका कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए यार कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बात सुनो यार। फॉर एग्जाम्पल यार, तुम्हारा मान लो कि यार कोई एक रैंक है, मान लो तुम्हारा, हम एज्यूम करते हैं तुम्हारा रैंक है बेटा 6K, ठीक है, एंड तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में यार क्या दिए हो, जादवपुर का CSC दिए हो, ठीक है, हेरिटेज दिए हो CSC, ठीक है, और मान लो हल्दिया दिए हो CSC, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस तुम इसके ऊपर दिए हो, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 6000 रैंक पर मान लो कि राउंड वन में जब काउंसलिंग का तुमको आएगा तो ऑन दैट केस तुमको मान लो कि हल्दिया का CSC तुमको मिल गया, ठीक है। तो अगर तुमको हल्दिया का CSC मिल गया बाबू, तो ऑन दैट केस तुमको एक ब्रांच अलॉट हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी कॉलेज का कोई भी ब्रांच अलॉट हो गया जो तुम लिस्ट ऑफ कॉलेज दिए उसके अंदर, राइट। तब तुमको जाके बेटा सीट, प्रोवेशनल सीट अलॉटमेंट PSA, ये निकालने के लिए तुमको बेटा 5000 पे करनी है WBJEE काउंसिल बोर्ड को, जो कि रिफंडेबल पैसा है। तुम जब यार ये पैसा पेमेंट करोगे, तुमको सीट अलॉटमेंट लेटर SLA, जिसको हम बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, वो तुमको मिल जाएगा। ये लेके तुमको जाना पड़ेगा फिजिकली वेरिफिकेशन सेंटर में। भैया ये वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा, मान लो तुम्हारा हल्दिया अगर आ रहा है तो हल्दिया ही होगा तुम्हारा वेरिफिकेशन सेंटर HIT कॉलेज, ठीक है। उधर जाके तुमको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है, जो तुम्हारा 10th 12th का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के टाइम में अगर कुछ गलत हुआ तो ऑन दैट केस यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग, ये समझ लो। बट अगर डॉक्यूमेंट तुम्हारा वेरिफिकेशन सही हो गया, तब तुमको यार दो ऑप्शन देगा, एक लेटर देगा, उसके अंदर दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा अपग्रेडेशन, एक रहेगा येस अपग्रेडेशन, एक रहेगा बेटा नो अपग्रेडेशन। अगर तुम चाहते हो कि भैया हमको हल्दिया का CSC पढ़ना है जो तुमको राउंड वन में अलॉट हुआ, तो ऑन दैट केस तुम येस नो मारोगे। अगर तुमको लगता है नहीं भैया इसके ऊपर की जो चॉइस है वो हमको ले, येस मारोगे, ठीक है। अगर ऊपर जाना है, हल्दिया नहीं लेना है, तो येस मारना है। अगर हल्दिया के CSC लेना है तो नो मारना है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर मेरा राउंड वन में, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा राउंड वन में जो हम दिए थे वो हम अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो हम अपग्रेड येस मार रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हम तो ऑलरेडी 5000 पेमेंट कर दिए, तो उसके बाद राउंड टू में क्या हमको फ्रेश अलॉटमेंट मिलने वाले है, या फिर ऑलरेडी जो हमको मिला था वही रहेगा। देखो, हो सकता है अगर अपग्रेड हो रहा है तो ऑन दैट केस मान लो तुमको हल्दिया के बाद राउंड टू में जाके तुमको हेरिटेज का CSC मिल गया, ठीक है, तो उसके लिए तुमको और 5000 पेमेंट नहीं करनी है बिकॉज तुमने ऑलरेडी हल्दिया के लिए 5000 पेमेंट कर चुके थे। तो अगर तुमको हेरिटेज का CSC चाहिए तो तुम जाना पड़ेगा, तुमको फिर जाके डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा बिकॉज तुमको ऑलरेडी तुम्हारा एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, तो सेकेंड टाइम तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा नहीं, ठीक है। तो तुमको जाके उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। अगर तुम बोलते हो भैया राउंड टू में हमको हेरिटेज मिला है बट हम चाहते हैं कि यार हमको जादवपुर आ जाए, तो क्या मैं फिर मॉपअप में बैठ सकता हूँ। देखो यार, मॉपअप में बैठने के लिए तुमको हेरिटेज का यार सीट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बोल रहे यार बात को एकदम समझो, ठीक है। अगर तुम्हारा यार ये अपग्रेडेशन हो रहा है तभी तुम्हारा जो हल्दिया वाला सीन है, हल्दिया कॉलेज तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा अपग्रेड होकर हेरिटेज कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम ये चाह रहे हो कि हमको मॉपअप के अंदर अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल जादवपुर के लिए अगर हम ट्राई करते हैं, तो क्या मेरे को जो राउंड टू में जो हमको ऑलरेडी मिला था क्या ये सेम रहेगा, ये स्टे करेगा, या हमको छोड़ना पड़ेगा। यार ये सेम रहेगा, अगर अपग्रेड होता है मॉपअप में तभी जाके राउंड टू का अलॉटमेंट तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमको अलॉटमेंट नहीं होता जादवपुर, तो तुमको हेरिटेज में तुम स्टिक करके रहोगे। आई होप सो मेरा बात तुमको क्लियर हो गया, ठीक है। और कोई डाउट है बोलो यार, और कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे से ही तुम लोग कमेंट करते रहना यार, मैं तुमको कमेंट का आंसर रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, और एक बच्चा पूछा है श्रेया ने, सर अगर मॉपअप राउंड में जो मिलता है वो नहीं लेते हैं और राउंड टू का जो कॉलेज दिया है वो लेना है तो क्या करना है, 5000 दिए चुके हैं राउंड टू में, स्टिल वेंट टू अपग्रेड। देखो यार, मैं अगेन सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर तुमको राउंड टू में मान लो तुमको हेरिटेज मिल गया,
ठीक है, एंड तुम चाहते हो कि भैया हम मॉपअप के अंदर बैठे, ठीक है, क्योंकि हमको जादवपुर ट्राई करनी है। अगर तुम्हारा राउंड टू का जो चीज़ है, ठीक है, जो अलॉटमेंट तुमको मिला था, अगर तुमको मॉपअप में अपग्रेड होते हैं तभी जाके तुमको यार तुमको जादवपुर मिल सकता है, ठीक है। मतलब अगर मॉपअप में, अगर तुम्हारा मॉपअप होते हैं, मतलब अगर तुम्हारा चीज़ अपग्रेड होते हैं तभी तुमको यार ये सीट छोड़ना पड़ेगा। अगर मॉपअप में अपग्रेड नहीं होते तो ऑन दैट केस हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें से काफ़ी सारे लोग पूछ सकते हो, भैया एक बार हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है एक, ठीक है, जहाँ पर तुम ये वाला खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो मॉपअप वाला सेक्शन है, खुद जाके अगर एक बार तुम पढ़ते हो, देखो इधर लिखा है, ठीक है, क्या है कि पार्टिसिपेटिंग इन दिस इज मॉपअप राउंड इज ऑप्शनल। ये एक ऑप्शनल राउंड, ये कोई मतलब सबको बैठना है पर ऐसा कोई बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल कैंडिडेट अलॉटेड सीट पेड सीट एक्सेप्टेंस इधर इन राउंड वन और राउंड टू बट नॉट टेकन एडमिशन। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया है वही बच्चा एकमात्र मॉपअप राउंड में बैठ सकते हैं। मैं बहुत क्लियर करके बोल रहा हूँ, ठीक है, नीचे ऑफिस एड्रेस दिया गया, मैंने ऑफिस में आके मिल लो, बात कर लो, काउंसलिंग सेशन ले लो, मैं ओपिनियन बोल रहा हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कोई बच्चे को राउंड वन में एंड राउंड टू में सीट अलॉटमेंट नहीं मिला वो जाके यार मॉपअप में बैठ सकते हैं। एंड मान लो कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं किया काउंसलिंग के लिए, वो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश अलॉटमेंट कर सकते हैं फॉर मॉपअप राउंड, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात सुन लो, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु हैव लेड टू एग्जिट और विदड्रॉ फ्रॉम ई काउंसलिंग सिस्टम ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग प्रीवियस राउंड, दैट इज ग्राउंड ऑफ एलिजिबिलिटी, और सिमिलरली दे विल हैव टू कैंसिल। मतलब उन लोगों का कैंसिल हो जाएगा, वो लोग मॉपअप में बैठ नहीं पाएगा। मान लो कोई बच्चा बैठा था, उसका यार डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, शायद वो चोरी छिपे कुछ काम किया, वट एवर जो भी किया था, ठीक है, मान लो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलती निकला, तो वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा, वो विदड्रॉ ऑलरेडी काउंसलिंग से हो गया है, ठीक है। और एक बात तुम सुन सकते हो, अ प्रीवियस रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे ₹200, ₹200 तुमको पे करना पड़ेगा, एंड कन्फर्म हीज और हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। वंस अ कैंडिडेट कन्फर्म हीज और पार्टिसिपेशन इन मॉपअप राउंड द डिसीजन कैन नॉट बी रिजर्व रिवर्स, ठीक है। एक बार तुमको मान लो राउंड टू में तुमको हेरिटेज मिल गया, तुम चाहते हो नहीं हमको हेरिटेज नहीं चाहिए, हम जादवपुर के लिए ट्राई करेंगे, तो एक बार अगर तुम मॉपअप के अंदर बैठ गए तो ऑन दैट केस तुम अपना मन को चेंज नहीं कर सकते। ये बात एकदम थोड़ा मतलब कान खोल के सुन के रखना। और एक बात है, ऑल पार्टिसिपेंट, ठीक है, इन मॉपअप राउंड विल हैव टू गिव देयर चॉइस एंड लिस्ट ऑफ ब्रांचेस फ्रेश। मतलब जो तुम ऑलरेडी दिए थे उसको अगेन चेंज करके तुमको फ्रेशली मॉपअप के अंदर बैठने के लिए फिर फ्रेशली तुमको अलॉट करना पड़ेगा। ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी तो तुम जो जो देख रहे हो वही सेम चीज़ है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नोट हीज और अलॉटमेंट अ न्यू सीट इन मॉपअप राउंड इफ एनी विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल एंड दे विल बी, जो मैं जो बोला यार, मान लो तुमको यार मिल गया जादवपुर, तो तुमको यार मॉपअप में जो हेरिटेज मिला था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होके तुमको जादवपुर तुम डायरेक्टली यार तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सब तुम देख सकते हो, सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है 5,000 इफ़ एनी कैंडिडेट इन अर्ली राउंड न्यू सीट इज अलॉटेड इन मॉपअप राउंड, सीट एक्सेप्टेंस फी ही जरा विल बी कंसिडर फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन। मान लो तुम ऑलरेडी 5,000 पे करके रखे थे राउंड वन में, जो मैं समझा रहा था हल्दिया का, तुम फिर राउंड टू में आए, हेरिटेज भी यार नहीं लिए ऑल, बट तुम ऑलरेडी यार 5,000 तुम पेमेंट करके रखे हो, तो ऑन दैट केस मॉपअप में जाके तुमको और 5,000 पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही था यार डाउट वाला सेशन, तो आई होप सो कि यार वीडियो के अंदर तुमको यार समझ में आ गया। बाकी फिर कमेंट करो यार, रात रात बैठे तुम्हारे लिए बना देंगे यार वीडियो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अगर मेरे से काउंसलिंग करवाना है तो यार नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, ऑफिस विजिट करो यार, मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।